हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोर्ट्स स्टोरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 38 करने जा रहे हैं, ठीक है। लीड कोड नंबर 2050, हार्ड मार्क्ड है बट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी पढ़े हुए कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन का नाम है पैरेलल कोर्सेस 3, ठीक है। और उबर ने पूछा है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसमें बोल रहा है कि आपको n कोर्सेज दे रखे हैं जिनकी लेबलिंग 1 to n कर दी गई है, ठीक है। और आपको 2D इंटीजर अरे रिलेशंस दे दिया है। रिलेशंस J में क्या क्या चीज़ें हैं? प्रीवियस कोर्स और नेक्स्ट कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रीवियस कोर्स को पहले करोगे, उसके बाद ही नेक्स्ट कोर्स को कर पाओगे, ठीक है। डिनोट्स द प्रीवियस कोर्स J हैज़ टू बी कम्प्लीटेड बिफोर कोर्स नेक्स्ट कोर्स J, ठीक है। इसका मतलब होता है प्री रिक्विजिट रिलेशनशिप दे दिया है। दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्री रिक्विजिट रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ? अगर A, B दे रखा है, इसका मतलब हुआ कि पहले A करोगे, उसके बाद ही B कर पाओगे, है ना। B करने से पहले A कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टेड एज है, ओके। और फर्दर मोर यू आर गिवन 0 indexed इंटीजर अरे टाइम, वेयर टाइम आई डोनेट्स हाउ मैनी मंथ्स इट टेक्स टू कम्प्लीट द I+1th कोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल से अभी समझेंगे। तो आपको निकालना है मिनिमम कितने नंबर ऑफ मंथ्स चाहिए होंगे टू कम्प्लीट ऑल द कोर्सेज, ठीक है। और आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। यू मे स्टार्ट टेकिंग अ कोर्स एट एनी टाइम इफ द प्री रिक्विजिट्स आर मेट, ठीक है। अगर किसी कोर्स का प्री रिक्विजिट्स कम्प्लीट हो चुका है तो आप उस कोर्स को स्टार्ट कर सकते हो। एनी नंबर ऑफ कोर्सेज कैन बी टेकन एट द सेम टाइम। ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि एट द सेम टाइम आप मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेज कर सकते हो पैरेलल में, ठीक है। लेकिन जिन कोर्सेज को आप ले रहे हो उनका प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, जो पहला पॉइंट है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ मंथ्स बताने हैं जिसमें सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ये दे दिया है कि टेस्ट केसेस ऐसे हैं कि सच दैट इट इज़ पॉसिबल टू कंप्लीट एवरी कोर्स, कोई भी इनवैलिड टेस्ट केस नहीं होगा, है ना। ग्राफ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। अगर वो साइक्लिक होता, जैसे मान लेते हैं कि 2 courses हैं, ए को करने के लिए बी को करने से पहले ए करना पड़ेगा, ए को करने से पहले बी करना पड़ेगा, कभी भी ऐसा केस नहीं होगा। ये तो साइकिल बन गया ना, ये डेडलॉक हो गया, तो ऐसा केस नहीं होगा, हमेशा वैलिड आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल क्या दे रखा है, रिलेशंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो इस एग्जांपल को देखो, पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। ये रिलेशंस दे रखा है, पहले वाले को देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 1 को करोगे, उसके बाद ही 3 को कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, पहले 2 को करोगे, उसके बाद ही 3 को कर सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ देख के ये पता चल रहा है कि 3 को स्टार्ट करने से पहले 1 or 2 कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जनरली क्या होता है कि ग्राफ के क्वेश्चंस में जो नंबरिंग होती है ना नोट्स की, वो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब मान लेते हैं n = 3 नोट्स हैं, तो 0, 1, 2 ऐसे नंबरिंग होती है। तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि नंबरिंग को चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 है ना, मैं इसको 0, इसको 1, इसको 2 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आसानी होती समझने में। आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइम को देखो, 0, 1, 2। तो क्वेश्चन में दे रखा था ना कि टाइम आई जो है ये किस नोड का टाइम है, I+1th नोड का। तो आई अगर 0 है तो मतलब 0+1 यानी कि 1th नोड का, ठीक है। तो उस झंझट में ना पड़ने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो मैंने इनको 0 बेस्ड कर दिया है, है ना। तो अब ये जो 3 है वो टाइम आई जो है वो ith नोड का होगा टाइम, है ना। तो ये देखो, ये 0th नोड का टाइम है। तो मैं यहाँ टाइम लिख देता हूँ कि इसको कंप्लीट करने में 3 महीने लगते हैं,
इसको देखो इंडेक्स वन में है तो वनथ नोड का होगा, टाइम इज इक्वल टू, इसको कंप्लीट करने में 2 मंथ लगते हैं। इसको देखो इंडेक्स नंबर 2 है, ठीक है, तो 2 वाले नंबर नोड का है, इसको कंप्लीट करने में 5 मंथ लगते हैं, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ जनरली ताकि आसानी होती है मुझे, है ना। तो इसका आउटपुट देखते हैं क्या होगा। देखो ध्यान दो, ऑब्वियसली बात है पहले आप 2 को तो स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि उससे पहले 0 और 1 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं क्या मैं 0 को स्टार्ट कर सकता हूँ। यस, क्योंकि 0 से पहले कुछ है ही नहीं, है ना, 0 का प्री रिक्वेस्टेड 0 है, कोई है ही नहीं, तो 0 को स्टार्ट कर लूँगा। और ध्यान दो 1 को भी आप उसी वक्त स्टार्ट कर सकते हो पैरेलली, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आप पैरेलल में सेम टाइम में मल्टीपल कोर्सेज ले सकते हो, और सिंस 1 को भी कंप्लीट करने से पहले किसी और को कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है तो 1 को भी मैं ले सकता हूँ, तो मैं 1 को भी ले लूँगा उसी वक्त, ठीक है। अब देखो ध्यान दो 0 को कंप्लीट होने में 3 महीने लगते हैं और 1 को कंप्लीट होने में 2 महीने लगते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जो सबसे लंबा टाइम ले रहा है इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा 2 तक पहुँचने में, राइट। 2 को आप कब स्टार्ट कर पाओगे, देखो 2 महीने में तो ये ख़त्म हो जाएगा, बट ये 3rd मंथ में ख़त्म होगा ये वाला। तो जैसे ही 3rd महीना ख़त्म होगा तब मैं 2 को स्टार्ट कर पाऊँगा, क्योंकि 3rd मंथ में ये भी कंप्लीट हो चुका होगा और ये भी कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो दोनों में से जो मैक्सिमम टाइम है, किसका मैक्सिमम टाइम है, इसका 3 महीना, इसका 2 महीना, मैक्सिमम टाइम कौन है, 3 है ना, मैक्सिमम ऑफ 2, 3 3 है, तो 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो 3 महीने में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 महीना तो लग गया। उसके बाद मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, इसको स्टार्ट करूँगा, इसको ख़त्म होने में कितना टाइम लगने वाला है, 5 महीना, तो 3+5+8, देखो तीनों कोर्सेज कंप्लीट हो गए, टोटल 8 मंथ्स लगे, इसीलिए इसका आंसर 8 है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उस एग्जांपल को देख के मेरा अप्रोच एकदम क्लियर हो गया था, तो पहले वो एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल काफ़ी अच्छा लगा था मुझे, इसमें देखो सारे एजेस दे रखे हैं, ओके। तो फिर से मैं वही करूँगा, पहले तो ग्राफ बना दूंगा इन एज को लेके, जैसे देखो 1 से 1 के बाद 5 कर सकते हैं, 2 के बाद 5 कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ बना दिया, देखो 1 के बाद ही 5 कर सकते हैं, 2 के बाद 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से इसको वैसे ही करता हूँ, 0 बेस्ड में कर देता हूँ, मतलब मुझे 0 बेस्ड ज़्यादा सही लगता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ टाइम भी लिख देता हूँ मैं, कि ये देखो 0 वाले नोड का टाइम 1 लगेगा, तो मैं लिख देता हूँ टाइम इसका 1 है, इसका टाइम है 2 महीना, इसका टाइम है 3 मंथ्स, इसका टाइम है 4 मंथ्स, इसका टाइम है 5 मंथ्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखो ऑब्वियसली बात है आप इसको तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, इसको भी अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों, इसको कंप्लीट होने के लिए इन तीनों की ज़रूरत है, ठीक है, और इसको स्टार्ट होने के लिए, मतलब इसको स्टार्ट होने के लिए इसकी, इसकी और इसकी ज़रूरत थी, और सिमिलरली इसको स्टार्ट होने के लिए इसकी ज़रूरत है। तो पहले मैं उसको करूँगा जिसको आप स्टार्ट कर सकते हो, जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये बंदा और ये बंदा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो तीनों को मैं पैरेलली स्टार्ट कर सकता हूँ, 0 को 1 को और 2 को, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, तीनों को कंप्लीट होने में मैक्सिमम कितने दिन लगेंगे, मैक्सिमम लगेंगे 3 दिन ना, क्योंकि देखो पहले दिन तो ये कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, 3rd मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो 3 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। 3 मंथ्स में क्या होगा, ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको ध्यान दो, तो 3 मंथ्स में जब ये तीनों कंप्लीट हो गया है, 3 मंथ्स लगे ना, तो क्या मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि अभी ये जो है इस पर भी डिपेंडेंट है, 3rd वाले पर, और 3rd वाला अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, लेकिन 3rd वाला अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो 2 कंप्लीट हो गया है 3 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो अब मैं 3rd को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3rd को मैंने कब स्टार्ट किया, 3 महीने के बाद,
और ये खुद 4 महीना लेता है कंप्लीट होने में। तो कितने मंथ्स लग गए मेरे, 3 + 4 = 7 मंथ्स हो गए। अब टोटल 7 मंथ्स हो गए। ओके, अब ये भी कंप्लीट हो गया, ये सब तो कंप्लीट हो ही गए थे। अब मैं 4 को स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये भी और ये भी। तो 4 को अब मैं स्टार्ट करूँगा, तो टोटल अभी तक 7 मंथ्स लग चुके थे, और 4 कितना मंथ ले रहा है, 5 महीना। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 मंथ्स हो गए। तो इसका आंसर होगा 12। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, अब समझते हैं इंट्यूशन इसका। देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि यार वी कैन पिक दोज कोर्सेज फर्स्ट। स्टार्टिंग में मैं उसी कोर्स को उठा सकता हूँ विच हैव नो डिपेंडेंसीज, यानी कि जिसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, है ना, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको स्टार्टिंग में आप ले सकते हो, बिगिनिंग में ही उठा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, 0, 2, 0, 1 और 2 किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, तो पहले मैंने इन तीनों को उठा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या, एनी कोर्स कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन ऑल इट्स प्री रिक्विजिट्स आर डन। जैसे देखो, 4 को मैं कब स्टार्ट कर पाया, जब इसके प्री रिक्विजिट्स यानी कि 0, 1 और 3 कंप्लीट हो गए, तभी मैं 4 को उठा पाया। तो ये दोनों पॉइंट को ध्यान देते हुए आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा एक टॉपिक पढ़ रखा है, दिस इज़ नथिंग बट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ठीक है। तो जिसने भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाली वीडियो मेरी देखी है, तो दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली ईजी, ठीक है। तो अब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो इंट्यूशन से तो पकड़ में आ गया कि ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट है। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं, और मैं इसी एग्जांपल को लूँगा क्योंकि ये अच्छा एग्जांपल है, बड़ा एग्जांपल है, तो इसी को टोपोलॉजिकल सॉर्ट से सॉल्व करके देखते हैं। तो चलो इसी एग्जांपल से समझते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मुझे जनरली ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करता हूँ मैं ग्राफ में। जैसे ये 1 से 5 है ना, तो मैं इसको 0 से 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे आसानी होती है वैसे। तो मैंने ग्राफ तो बना दिया, जैसे ये 1 से 5 है ना, तो इसको 0 से 4 मान के चला मैं, ये रहा 0 से 4 एंड सो ऑन। तो मैंने ग्राफ बना दिया है वैसे, ठीक है, और टाइम तो लिखा ही हुआ है। देखो, टाइम मैंने सारे नोट्स के ऊपर लिख दिया है कि किस नोट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट का आपको पता होगा कि क्या क्या स्टेप होता था, राइट। सबसे पहला स्टेप याद है क्या था, कि फाइंड द इन डिग्री, सारे नोट्स का इन डिग्री निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, 1.5 है ना, 1 और 5 है, तो 1 को u माना और v को 5 माना। बट मैंने बोला था ना कि मैं ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करता हूँ, मतलब ज़ीरो बेस्ड नंबरिंग ज़्यादा सही लगता है, तो मैंने -1 कर दिया दोनों में। इसका मतलब है 0 से 4 एक एज है, ठीक है, तो मैं इसको 0 से 4 मान रहा हूँ। तो 0 से 4 एक एज है, तो 4 पे एक इन डिग्री आ रही है ना, तो 4 की इन डिग्री +1 कर दी मैंने, ठीक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो इसी तरह मैं इन डिग्री सबका कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे ये है 1 से 5, तो 0 से 4 एक इन डिग्री है, तो 4 का इन डिग्री 1 हो गया। इनका इन डिग्री 0 है, इनका इन डिग्री 0 है, इनका इन डिग्री 0, क्योंकि इन पर कोई एरो नहीं आ रहा है। 4 पर देखो 3 एरोज़ आ रहे हैं, 3 इन डिग्री है इसका। 3 पर 1 एरो आ रहा था, इसका इन डिग्री 1 है। तो सबका इन डिग्री मैंने निकाल लिया, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद क्या था कि पुट एलिमेंट्स इन क्यू हैविंग डिग्री इन डिग्री 0। जिन जिन नोड्स का इन डिग्री 0 है उसको हम क्यू में डाल देते थे, ठीक है। तो मैंने क्यू बना लिया। इन डिग्री किसका किसका 0 है, 0, 1 और 2 का, तो उनको मैं डाल देता हूँ, 0th नोड, 1st नोड एंड 2nd नोड। इनका इन डिग्री 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इनको स्टार्ट कर सकता हूँ अभी के अभी। और तीनों नोड को डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि पैरेलल आप तीनों टास्क को कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? बल होता था अपना नॉर्मल क्यू पे हम ट्रैवर्स करते थे, है ना, क्यू ट्रैवर्सल, और ट्रैवर्स करते वक्त इन डिग्री अपडेट करते चलेंगे जो जो विजिट हो गए हैं, और जिसका इन डिग्री 0 हुआ उसको वापस से क्यू में डालेंगे, उसको क्यू में डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं अभी मेरे क्यू में 0 है, तो मैंने 0 को पॉप किया, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं कि 0 का नेबर कौन है। 0 का नेबर मुझे 4 दिख रहा है, ये रहा,
है ना? तो मुझे एडजेसेंसी लिस्ट भी बना लेनी चाहिए थी। 0 का नेबर 4 है, 1 का नेबर 4 है, 2 का नेबर 3 है और 3 का नेबर 4 है। तो 0 का नेबर मुझे 4 दिखा, तो 4 का मैंने इन डिग्री कम करना है, ठीक है। 4 का इन डिग्री मैंने क्या किया, 3 से हटा के एक घटा दिया, क्योंकि 0 अभी कंप्लीट हो गया है, पॉप हो गया क्यू से, तो इन डिग्री 2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई है, बट इन डिग्री अभी 0 नहीं हुआ है, इसीलिए 4 को मैं क्यू में डाल नहीं सकता, ठीक है। बट अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान दो, अगर मान लेते हैं मुझे ऐसा लगता कि सिर्फ 0 के कंप्लीट होने पर, मान के चलो कि 0 अगर कंप्लीट हो जाता उसके बाद मैं 4 को कर पाता, सिर्फ 0 ही प्रीरिक्विजिट होता 4 का, तो 4 को कितना टाइम लगता होने में, 4 का टाइम कितना हो जाता, 0 को होने में 1 महीना लगा प्लस, देखो 0 को होने में 1 महीना लगा प्लस 4 को ख़त्म करने में 5 महीने लगने वाले हैं, तो 1+5 6 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अभी तक मैक्सिमम मुझे जो टाइम मिला है 4 को कंप्लीट होने का वो 6 मंथ्स मिला है, ठीक है। बट 4 का इन डिग्री 0 नहीं है, इसीलिए अभी तक इसको मैंने क्यू में डाला नहीं है, ठीक है। अब फर्दर आते हैं, और भी कोई नेबर नहीं है 0 का, तो अब हम 1 पर आते हैं। 1 को मैंने पॉप किया, तो 1 को जब पॉप किया तो 1 का जो नेबर है, 1 का नेबर कौन है, 1 का नेबर 4 है, उसका इन डिग्री एक और घटाया, 1 कर दिया, तो एक और प्रीरिक्विजिट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 4 का देख रहे हो मैक्सिमम टाइम ख़त्म होने का मुझे 6 मिला था अभी लास्ट टाइम जब 0 को कंप्लीट किया था, तो बट अब 1 को देखते हैं, अगर 1 कंप्लीट होता है, ठीक है, तब 4 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 को कंप्लीट होने में याद है 2 महीने लगने वाले थे, 2 महीने ये रहा, और 4 को खुद कंप्लीट होने में 5 महीने लगते हैं, तो 2+5 7 मंथ्स लगेंगे 4 को कंप्लीट होने में, अगर मैं 1 को कंसिडर करूँ तो। लेकिन ऑलरेडी मैंने 6 निकाल रखा था, तो ऑब्वियसली बात है जो बड़ा टाइम होगा वही लूँगा मैं, ठीक है। तो 7 मंथ्स तो लगेंगे, तो 6 को अपडेट करके मैंने 7 कर दिया कि 4 को कंप्लीट होने में मैक्सिमम 7 मंथ्स लगेंगे। बट 4 की इन डिग्री अभी 0 नहीं है, इसीलिए मैंने क्यू में डाला नहीं उसको। 1 का और कोई नेबर नहीं है, तो 1 को मैं हटा देता हूँ, अब क्यू में और क्या बच गया, 2 बच गया है, 2 को मैंने पॉप किया, ठीक है। 2 का नेबर कौन है, 3 है, ठीक है। तो 2 सिंस कंप्लीट हो चुका है, तो 2 का नेबर 3 जो है उसकी इन डिग्री 1 घटाऊँगा, तो देखो इसका इन डिग्री 0 हो गया। अब जैसे ही किसी का इन डिग्री 0 होता है उसको मैं क्यू में डाल दूंगा, ठीक है, इन डिग्री 0 हो गया। बट एक चीज़ यहाँ और ध्यान देना आपको, देखो 2 को कंप्लीट होने में 3 मंथ्स लगे, ठीक है, और 3 को कंप्लीट होने में 4 महीने लगने वाले हैं, ओके। तो 3 को कंप्लीट होने में टोटल कितने मंथ लग जाएंगे, क्योंकि 2 पहले कंप्लीट होगा 3 मंथ लगा के, प्लस 3 कंप्लीट होगा 4 मंथ में, तो 3, 4, 7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस 3 को कंप्लीट होने में मैक्सिमम 7 मंथ लगेंगे, तो मैं यहाँ 7 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना यहाँ मैंने 7 लिख दिया है, ओके। और 3 को मैंने पुश कर दिया क्योंकि इसका एंड डिग्री 0 हो चुका है, ओके। अब आते हैं क्यू पर, क्यू में 3 बचा है सिर्फ, 3 को मैंने निकाला यहाँ से, ठीक है, पॉप कर लिया। अब 3 का नेबर कौन है, 3 का नेबर 4 है, तो 3 सिंस अब पॉप हो चुका है तो वो कंप्लीट हो चुका है, तो 3 का नेबर का इन डिग्री मैं कम करूँगा, -1 करूँगा, तो 0 हो गया। तो 4 का इन डिग्री जैसे ही 0 हुआ तो 4 को मैंने क्यू में डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान देना कि 4 को कंप्लीट होने में आप कितना टाइम लगेगा वो देखते हैं, ठीक है। अभी याद करो 3 जस्ट कंप्लीट हुआ था, 3 को मैक्सिमम कितने टाइम लग रहे थे कंप्लीट होने में, 7। तो वो ध्यान दो 4 नहीं 7 ना, मैक्सिमम टाइम 7 निकाला था ना 3 का, इसीलिए मैक्सिमम टाइम अपडेट करते रहना पड़ेगा। तो देखो 3 को कंप्लीट होने में मैक्सिमम 7 मंथ्स लगे और 4 को कंप्लीट होने में 5 महीने लगेंगे, तो 7+5 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 4 को कंप्लीट होने में मैक्सिमम 12 मंथ लगेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने 7 निकाला था जो कि छोटा है, तो 12 मंथ लगेंगे जो कि बड़ा है ना। और सही बात है, आंसर 12 ही है हमारा, चारों सारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे 12 मंथ्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो 3 मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 7वें महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ में ये भी कंप्लीट हो जा रहा है ना, तो इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, 4 महीने और लगेंगे, 3, 4, 7, उसके बाद फिर ये कंप्लीट हो जाएगा,
इसको लगने में 5 महीने लगते हैं, 7 5 12, ठीक है। तो आपने नोटिस किया हर नोड के कंप्लीट होने का मैक्सिमम डेज भी मैं निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम मंथ्स। जैसे इसका देख रहे हो 7 था, फिर इसका याद करो स्टार्टिंग में 6 आया था मैक्सिमम मंथ, फिर काट के 5 2 7 आया, अब भी 12 आ गया। तो ये हमें अपडेट करता रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा ना, मैं एक अरे ले रख लूँगा जो हर नोड का मैक्सिमम टाइम स्टोर करके रखेगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, टोटल 4 नोड्स हैं। तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम टाइम 0 रखते हैं, ठीक है, और इसी पे स्टोर करते चलेंगे कि किसका कितना मैक्सिमम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं इस मैक्सिमम टाइम अरे के साथ लेकर, ठीक है। तो देखो मैंने इसको फिर से रिफ़्रेश कर दिया है ताकि दोबारा ड्राई रन कर सके। मैक्स टाइम स्टोर करते रहेंगे एक अलग से अरे में, ठीक है। तो सबसे पहले इन डिग्री निकाल लेते हैं। इसका इन डिग्री 0 है, 0 है, 0 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो जिसका इसका इन डिग्री 0 है पहले तो उसको डाल देते हैं अपने क्यू में, 0 1 2, यही तीनों था, इन डिग्री इनका 0 था, ठीक है। अब इनका इन डिग्री जैसे ही मैंने इनको क्यू में पुश किया उसी वक्त मैं ये भी लिख देता हूँ कि इनको मैक्स टाइम कितना लगा कंप्लीट होने में, ठीक है। तो 0 1 और 2 को पुश किया था ना, तो इनको मैक्स टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने में, वो तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। देखो 0 को कंप्लीट होने में 1 मंथ, इसको 2 मंथ, इसको 3 मंथ, तो मैं लिख देता हूँ 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, है ना। यहाँ तक क्लियर है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा है मेरा पुट एलिमेंट्स इन क्यू हैविंग इन डिग्री 0, ये भी मैंने कर दिया। तीसरा है क्यू ट्रैवर्सल, चलो चलो क्यू पे ट्रैवर्स करते हैं। पहले 0 को पॉप किया, 0 का नेबर कौन है, 0 का नेबर है 4, ठीक है। तो 4 का इन डिग्री मैंने 3 से 2 कर दिया, ठीक है, 4 का इन डिग्री मैंने घटा के 2 कर दिया। अब देखो अपडेट करते हैं पहले कि 4 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा अगर 0 फिनिश हो गया तो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। 0 को फिनिश होने में 1 मंथ लग रहे हैं, प्लस 4 को फिनिश होने में 5 महीने लगेंगे, तो 1 + 5 6 मंथ्स हो गए कि 4 को मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे कंप्लीट होने में। बट 4 का मैक्सिमम टाइम अभी 0 ही रखा है मैंने, तो ऑब्वियस सी बात है एक बड़ा वैल्यू मिला है, तो 6 मंथ लगेंगे कंप्लीट होने में अगर 0 कंप्लीट, 0 के कंप्लीट होने के बाद 4 को स्टार्ट कर सकते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। बट सिंस 4 का अभी इन डिग्री 0 नहीं हुआ इसीलिए क्यू में इसको मैंने नहीं डाला, ठीक है। अब क्यू से पॉप 1 हुआ, ठीक है, 1 का नेबर कौन है, 1 का नेबर 4 है, फिर इसका इन डिग्री 1 होगा क्योंकि ये कंप्लीट हो गया 1 भी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस नोड नंबर 1 के बेसिस पर अगर 4 स्टार्ट कर सकते हैं तो 4 का मैक्सिमम कितना टाइम लगता कंप्लीट होने में, ठीक है। 1 को लग रहा है 2 महीने और 4 को लगेगा 5 महीने, 2 + 5 7, मैक्सिमम 7 महीने लगेंगे, ठीक है। तो अब वैसे बात है यहाँ पर 6 था तो अब मैंने इसको 7 से अपडेट कर दिया, क्योंकि जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही डिसाइड करेगा ना कि कब स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब आए नेक्स्ट नेबर 2 है मेरा, ठीक है, तो 2 का नेबर कौन है, 2 का नेबर 3 है, तो 3 का इन डिग्री मैंने 1 से माइनस किया तो 0 हो गया, तो जैसे ही 0 हुआ मैंने 3 को डाल दिया, ओके। अब 3 का कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में वो देखते हैं। 2 जब कंप्लीट हुआ तो कितना लगा, 3, 2 को देख रहे हो 3 मंथ्स लगने वाले हैं, और 3 को कंप्लीट होने में 4 महीने लगने वाले हैं, तो 3 + 3 + 4 7 हो गया ना, तो 3 को कंप्लीट होने में 7 मंथ्स लगेंगे मैक्सिमम, तो यहाँ पर 0 से हटा के 7 कर दिया इसको, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। अब 3 को मैंने क्यू से निकाला, 3 जैसे ही क्यू से पॉप हुआ मैंने उसके नेबर 4 को इन डिग्री को घटा दिया तो 0 हो गया इसका इन डिग्री। तो 4 का इन डिग्री 0 हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्यू में पुश करना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 को कंप्लीट होने में कितना वक्त लगेगा एज पर 3, क्योंकि 3 अभी जस्ट डन हुआ है, ठीक है, 3 डन हो गया, तो 3 को कंप्लीट होने में याद करो मैक्सिमम कितना टाइम लगा था, 7 लगा था, इसीलिए देखो स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर 7, ठीक है। और 4 को टाइम होने में कितना लगेगा, 7 + 4 का टाइम है 5, है ना, 12 लगेगा, ठीक है, एज पर 3। तो 4 का ऑब्वियसली एक बड़ा वैल्यू मिल गया है तो इसको अपडेट करके मैंने 12 कर दिया,
यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा क्यू देखो एम्प्टी हो चुका है, क्योंकि फोर को जैसे ही मैं पॉप करूँगा तो फोर का कोई नेबर है भी नहीं, तो सब खत्म। ठीक है, तो अब ध्यान दो यहाँ पर सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू 12 है। इसका मतलब क्या है कि इतना दिन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, इतना दिन तो लगेगा ही लगेगा सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे ना, मैक्स टाइम वाले अरे में जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसी को आंसर लेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में, जो सबसे स्लो होता है, वही डिसाइड करता है कि कब कंप्लीट होगा सारा कोर्सेस, है ना। ऐसे मान लेते हैं तीन कोर्स है ए बी सी, मैंने तुमसे पूछा कितने दिन लगाओगे कंप्लीट करने में, तो ये 5 दिन में ख़त्म होता है, ये 10 दिन में, ये 20 दिन में, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए कि भाई 20 दिन में मैं तीनों कंप्लीट कर लूँगा, है ना, पैरेलली मैं पढ़ रहा हूँ तीनों को। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, आपको पता है कि हमने ग्राफ को सिंपली ट्रैवर्सली तो मारा है, तो ओ ऑफ वी प्लस ई होगा, ये वी मेरा नंबर ऑफ एजेस है, ई सॉरी नंबर ऑफ वर्टिसेस है यानी कि नोड्स है, और ई मेरा नंबर ऑफ एजेस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वी प्लस ई होगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वो बना लोगे तो ऑब्वियस है ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, है ना, जिसने टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर रखा है उसके लिए बहुत आसान था ये। ठीक है, तो जल्दी से चलो इसको कोड करके फिनिश करते हैं। कोड करते हैं बिल्कुल जैसे समझाया था वैसे ही। सबसे पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे जो अपना ग्राफ है, और इन डिग्री के लिए वेक्टर ले लेंगे, यानी कि ए डी जे और इन डिग्री यहाँ पर ले लिया। इसके बाद अपना ग्राफ बनाते हैं, चलो फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस, नहीं रिलेशंस डॉट साइज़ ना, रिलेशंस डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, तो इंट यू इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेशंस ऑफ आई का ज़ीरो, इंट वी इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेशंस ऑफ आई का 1। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था ना कि मैं -1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे ज़ीरो बेस्ड ज़्यादा सही लगता है, है ना। तो U से V एक डायरेक्टेड एज है, तो मतलब ए डी जे ऑफ U डॉट पुश अंडरस्कोर बैक V, U से V एक एज बन गया, और इन डिग्री किसका बढ़ेगा, V का ना, क्योंकि V पर एक एज जा रहा है। ये मैंने ग्राफ बना दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप की जिसकी इन डिग्री ज़ीरो है उसको क्यू में डाल देंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज़ लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, इफ़ इन डिग्री ऑफ आई जो है वो अगर ज़ीरो निकला तो हमें क्या करना है, क्यू डॉट पुश आई को डाल दिया। ठीक है, और मैंने बोला था ना कि जब क्यू में पुश कर रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम जो लगेगा उसको कंप्लीट होने में वो भी डालना है ना, तो उसके लिए एक अलग से वेक्टर लिया था हमने, याद है, वेक्टर ऑफ इंट मैक्स टाइम कर। कब का मैक्स टाइम मैंने क्या लिया है, ज़ीरो लिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैक्स टाइम अपडेट कर देते हैं, मैक्स टाइम ऑफ आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, स्टार्टिंग में जो टाइम देखा है वही लिख दिया अभी। ठीक है, अभी के लिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वही सेम, वाइल नॉट ऑफ q dot empty। ठीक है, int u is equal to q dot front q dot pop, pop कर लिया उसको। अब उसके नेबर्स के पास जाना है हमें, तो नेबर पे जाना बड़ा सिंपल है, int and v, इन adj से निकाल लेंगे नेबर, नेबर v है राइट, तो ऑब्वियस मैंने बोला था ना कि इन डिग्री ऑफ v को माइनस माइनस करेंगे, एक घटाएंगे राइट, और जैसे ही उसका इन डिग्री ऑफ वी जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो उसको हम क्यू में डाल देते थे, याद है, क्यू डॉट पुश वी को डाल दिया। याद करो यहाँ पर एक और चीज़ हम करते थे कि मैक्स टाइम अपडेट करते थे, मैक्स टाइम ऑफ वी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स टाइम ऑफ वी ऑलरेडी जो इसकी वैल्यू है, या फिर अभी जो इसका नया वैल्यू हम इस यू के हिसाब से रखने वाले हैं, इस U के हिसाब से इस V को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, मैक्स टाइम U को होने में जितना लगा, इस U को होने में जितना लगा प्लस ये V जितना टाइम लेने वाला था। याद करो हर बार ऐसे ही अपडेट कर रहे थे राइट,
फिर लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा मैक्स टाइम वाला अरे है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी वही रिटर्न करना था। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली एसटीएल से निकाल, या तो आप फॉर लूप लगा के मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लो, या तो मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल लेता हूँ मैक्सिमम एलिमेंट बिगिन ऑफ मैक्स टाइम। आप फॉर लूप से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैक्स ही वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं, पास हो रहे हैं कि नहीं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।